यस, वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आज इसके अंदर बताने वाला हूं कि आईसीआई ने आपके एडमिट्स कार्ड्स को लेकर के जो भी अपने पास अपडेट है वो ये है कि आईसीआई ने ये बताया कि आपकी जो करेक्शन फॉर्म्स है, जो स्टूडेंट्स अभी करेक्शन फॉर्म फाइल कर रहे हैं, राइट, विंडोज जो अपने पास ओपन है टिल 9th मार्च तक, राइट। आपको पता है कि 9 मार्च तक अपने पास आप करेक्शन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो करेक्शन फॉर्म्स को लेकर के ये आईसीआई ने ये अपने पास अपडेट दिया कि एडमिट्स कार्ड्स आपके किस बेस पे इशू करे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं अपडेट देने वाला हूँ वो आपको देने वाला हूँ एडमिट्स कार्ड्स की इश्यूज के ऊपर, राइट। कितने टाइम में आपका एडमिट्स कार्ड इशू होंगे, इसका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ, जरा एक बार देख लेंगे। पॉइंट नंबर 10 के अंदर आप जाएंगे तो पॉइंट नंबर 10 के अंदर देखेंगे फटाफट से, एडमिट्स कार्ड विल बी इशूड बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, एंड द करेक्शन रिसीव्ड टिल द करेक्शन विंडो क्लोज। आईसीआई ये बोल रही है कि जो भी आपने अपनी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो भी आपने एग्जाम्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करा है, राइट, या फिर करेक्शन फॉर्म फाइल करा है, तो आपकी जो एडमिट्स कार्ड है उसके बेसिस पे ही इशू करे जाएंगे। अब वो क्या बेसिस है, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके मैंने प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे डिस्कस करी है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे उठाया है, दैट इज एडमिट्स कार्ड्स विल बी इशूड बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशंस एप्लीकेशंस फॉर्म्स एंड द करेक्शंस रिसीव्ड टिल द करेक्शंस विंडो क्लोज। अब देखो जरा प्रैक्टिकल समझ लो, एक बार को ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। यहाँ पे क्या लिखा है, आईसीए कहती है कि एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशंस है, एग्जामिनेशंस की जो एप्लीकेशन है वो आपको पता ही है 2nd फेब से स्टार्ट हो गई थी और टिल 2nd ऑफ मार्च तक आपकी विद लेट फीस यहाँ पे रही थी, राइट। तो आपने अगर इस विंडो के अंदर, इस विंडो में अगर आपने क्या किया है, अगर आपने इस विंडो में अपना एग्जाम फॉर्म फिल करा है, राइट, या फिर जो स्टूडेंट्स करेक्शंस फाइल फॉर्म फाइल कर रहे हैं, करेक्शंस एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर रहे हैं, उन्होंने 3rd मार्च से स्टार्ट किया अपना एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, अपना फिल करना। तो आईसीए ये कह रही है कि यहाँ पे जो अपने पास एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने इस विंडो में फाइल करा है तो एडमिट्स कार्ड इस बेसिस पे इशू किए जाएंगे, राइट, एडमिट कार्ड इस बेसिस पे इशू किए जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने करेक्शन फॉर्म फिल करे हैं, राइट, जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर सेंटर या मीडियम्स या सिटीज वगैरह चेंज करी है 3rd मार्च से टिल 9 मार्च के बीच में, तो ऐसे केस में उसके बेसिस पे एडमिट्स कार्ड इशू होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज समझा देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट करा हुआ है। सपोज दैट अगर आप करेक्शन की एप्लीकेशन, अगर आप करेक्शन की एप्लीकेशन 3rd मार्च पे क्या करा है, आपने फॉर्म फाइल करा है करेक्शन वाला, ध्यान रखेंगे करेक्शन वाला अगर आप फॉर्म फिल करते हैं 3rd मार्च पे, तो आईसीआई के पास वो करेक्शंस रिसीव होगी 4 मार्च को, राइट, 4 मार्च को वो करेक्शन रिसीव होगी और वो करेक्शन जो है वो अप्रूव्ड होगी 5 मार्च को, राइट। आईसीआई की साइड से वो करेक्शंस कब अप्रूव्ड होगी, 5 मार्च को अप्रूव्ड होगी, राइट। तो यहाँ पे आपके एडमिट्स कार्ड जो है वो डिले हो सकते हैं, कितने दिन, 3 दिन डिले हो सकते हैं, राइट, ओनली 3 डेज, राइट, 3 डेज आपके डिले हो सकते हैं। नॉर्मली आपको पता है 14 डेज प्रायर टू द एग्जाम्स, राइट, 14 दिन पहले आपके एग्जाम्स जो हैं क्या हो जाते हैं, 14 दिन एग्जाम से 14 दिन पहले आपके एडमिट्स कार्ड इशू हो जाते हैं, राइट, एडमिट्स कार्ड इशू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने करेक्शन फॉर्म फाइल करा है तो ऐसे केस में आपका जो ये 3 मार्च से लेके 5 मार्च तक का प्रोसेस है इसमें 3 दिन का डिले हुआ है, तो आपके एडमिट्स कार्ड विल बी इशूड होंगे 11 डेज बिफोर द एग्जाम्स। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने करेक्शन फॉर्म फिल करी है, जिन्होंने करेक्शंस फॉर्म फिल करी है, उनके जितना टाइम उसमें करेक्शंस में लगेगा उतने टाइम पीरियड का, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 3 दिन का आ रहा है, तो 3 दिन का डिले आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके एग्जाम्स होने के 11 डेज पहले आपको एडमिट्स कार्ड्स मिलेंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने करेक्शन फॉर्म फिल करा है। होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट्स प्लीज आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल्स हैं जो अपने पास अपनी ही चीजों को बार बार कमेंट्स करके थोड़ी सी नॉन वेज कमेंट्स कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैंने कमेंट सेक्शंस को पोस्ट किया हुआ है, आप मेरे को अगर चाहें तो पर्सनली आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट करके आओ या टेलीग्राम चैनल आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।